जय हिंद दोस्तों। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपना पैन कार्ड में ये ग्रीन टिक को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। और जस्ट अभी हम अपना खुद का पैन कार्ड को वेरीफाई करके ग्रीन टिक लिया हुआ है, इसलिए हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से बता पाएंगे कि आप भी अपना पैन कार्ड को कैसे वेरीफाई करके ग्रीन टिक ले सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड को अपना कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेना है। यदि पैन कार्ड को डाउनलोड करना नहीं आता है तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को पहले देख के अपना पैन कार्ड को अपना कंप्यूटर में पहले डाउनलोड कर लीजिए, तब इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों, डाउनलोड किए हुए पैन कार्ड को आपको इसमें राइट क्लिक करके इसको ओपन विथ एडोब रीडर में इसको ओपन करना है। यदि आपके कंप्यूटर में एडोब रीडर नहीं है तो इसको आप गूगल क्रोम से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड का पासवर्ड पूछेगा, तो आपको भी पता होगा ये जो पासवर्ड रहता है पैन कार्ड में ऑलरेडी, वो आपका डेट ऑफ बर्थ का पूरा रहता है। पासवर्ड डालने के बाद इसको ओपन करना है। तो इस प्रकार का आपका भी पैन कार्ड ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रोसेस को करने समय आपके कंप्यूटर में नेट का कनेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले अपना नेट कनेक्शन को देख लीजिएगा, इसके बाद ही आगे प्रोसेस कीजिएगा, तब भी आपका होगा। तो चलिए आगे आपको बताते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी तो मेरा यहाँ पे ग्रीन टिक दिखा रहा है क्योंकि हम सिग्नेचर को वेरीफाई कर लिए हैं। आपका पैन कार्ड में यहाँ येलो कलर का क्वेश्चन मार्क दिखाएगा, आपको उसी पे क्लिक करना है एक बार। इसके बाद आपको सिग्नेचर प्रॉपर्टीज का ऑप्शन खुलेगा, तो आपको इसको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे 100 सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इसको भी एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे सिंपली ट्रस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे ए टू ट्रस्ट सर्टिफिकेट वालों को भी एक बार क्लिक कर देना है। और इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, उस दोनों ऑप्शन में आपको टिक मार्क कर देना है और उसको सिंपली ओके कर देना है। जैसे ही ओके कीजिएगा, आपका भी पैन कार्ड में ग्रीन टिक आ जाएगा। इसको सिंपली आप क्लोज कर देना है। और ग्रीन टिक आने के बाद आप इसको सेव करने के लिए आप यहीं पे इसको प्रिंटर वाले ऑप्शन पर आपको जाना है, इसको एक बार क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कमेंट और फॉर्म वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे सिंपली आके इसको प्रिंट कर दीजिए, तो आपको सेव करने का ऑप्शन मांगेगा। तो आप जिस भी नाम से सेव करना चाहते हैं उस नाम से इसको सेव कर दीजिए, और इससे आपका पासवर्ड भी हट जाएगा। अब जैसे ही ओके कीजिएगा, उसी आपको ये पैन कार्ड डायरेक्ट दिखाएगा बिना पासवर्ड मांगे। इस तरीके से आप अपना पासवर्ड भी हटा सकते हैं। चलिए इसको सिंपली सेव कर देते हैं और आपका भी इसी तरीका सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद हो कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। यदि आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछना मत भूलिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और यदि अभी तक भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।